हाय एवरीवन, क्यूट आयुष के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज देखिए, मैं आलू का झोर लगाने जा रही हूँ। आलू को झोर लगाने के लिए मैंने एक बारीक प्याज काट ली हूँ, एक हरी मिर्च काट ली हूँ, दो बारीक टमाटर काट ली हूँ और दो उबले हुए आलू को ले ली हूँ मैं बनाने के लिए ले ली हूँ। इधर देखिए, मैं कढ़ाई चढ़ा रखी हूँ, कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ। तेल जब गर्म हो जाएंगे तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, तेल गर्म हो गई है। अब इसमें मैं जीरा डाल देती हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ये जब जीरा लाल हो गया, ये देखिए जीरा अच्छे तरह से लाल हो गया। इसी बीच में हरी मिर्च डाल देती हूँ। हरी मिर्च को मैं अच्छे से लाल कर लेती हूँ। ये देखिए, मिर्च अच्छे से जल गए हैं। अब इसी बीच में प्याज डाल देती हूँ। प्याज डाल दी, प्याज को अच्छे से चला लेती हूँ। प्याज को मैं अच्छे से लाल कर लेती हूँ। दो मिनट तक धीमी आँच से लाल कर लेती हूँ। ये देखिए, प्याज अच्छे से लाल हो गए हैं। अब इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी। देखिए, मैं टमाटर डाल दूँ और इसमें मैं थोड़ी सी नमक डाल देती हूँ, ताकि नमक डालने से टमाटर सॉफ्ट जल्दी हो जाएंगे। ये देखिए, टमाटर को 2 मिनट तक अच्छे से मैं पका लेती हूँ। ये देखिए, टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं, 2 मिनट हो गए हैं। अब इसमें मैं देखिए थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देती हूँ, थोड़ी सी मिर्च पाउडर डाल देती हूँ, अपने तीखे के अनुसार डाल। ये देखिए, थोड़ी सी मैंने जीरा मिर्ची की पाउडर डाल देती हूँ और इसी बीच में पानी डाल के इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। और मसाले को अच्छे से हम 4-5 मिनट तक भून लेते हैं। ये देखिए, मसाला 4-5 मिनट में अच्छे से भुंजा गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए, मसाले अच्छे से भुंजा गए हैं। ये आलू को देखिए, मैंने हाथ से मैश लिए हैं, इसको इसी में डाल देते हैं। ना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा पतला है, बस साधारण इसको हाथ से क्रिस्पी कर ली हूँ, आप लोग देख सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिला लेते हैं 2 मिनट तक। बहुत अच्छे से 2 मिनट तक मिला लेते हैं। ये देखिए, आलू को भी 2 मिनट तक मैंने मसाले में अच्छी तरह से भूंज ली हूँ। अब इसमें मैं पानी डाल देती हूँ। आप अपने अनुसार ही पानी डालें कि वो आप कितने ग्रेवी रखेंगे। ये देखिए, मैं अपने अनुसार पानी डाल दी हूँ। अब इसको 2 मिनट तक मैं अच्छे से उबाल आने देती हूँ। ये देखिए, अच्छे से खोल गए हैं। अब इसमें मैंने थोड़े से स्वाद के लिए थोड़ी सा देखिए गरम मसाला डाल देती हूँ। अब इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। ये देखिए, है ना। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ। ये देखिए, बन के तैयार हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। प्लीज़ आप लोग इसको पूरी के साथ बना के खाएं, बहुत ही अच्छा लगेगा। प्लीज़ मेरे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब, ताकि बेल घंटी बजाना ना भूलें, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे।